कोलिजन्स चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, जितनी भी कोलिजन्स हैं वो सब आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मतलब है और कोलिजन से क्या मतलब है? कोलिजन बहुत क्लियर है, दो बॉल्स का आपस में इंटरैक्ट करना, आपस में टक्कर होना और फिर उनकी वेलोसिटीज का चेंज होना, ये कोलिजन्स हैं। ठीक, टक्कर होना इज अ कोलिजन। अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको याद हो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने फोर्स का चैप्टर किया था और फोर्स के चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके एक टॉपिक किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। हमने इसमें क्या किया था? हमने ये किया था कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या सिस्टम है? जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। और अगर फोर्स जीरो है और फोर्स होती क्या है? डीपी बाई डीटी। तो अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है उस सिस्टम के लिए? कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको यह कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे एक्ट या सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करती तो उसका लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। और हमने आइसोलेटेड सिस्टम के कई एग्जाम्पल भी किए थे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल था कि एक बुलेट का निकलना और गन का पीछे आना, M1V1 is M2V2, एक बॉम्ब का दो टुकड़ों में टूट जाना या फट जाना, M1V1 M2V2, या आइसोलेटेड सिस्टम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम में हमने एग्जाम्पल किया था किसका? कोलिजन का। कोलिजन में क्या करके दिखाया था? कोलिजन में मैंने कहा था कि अगर दो बॉल्स हैं, एक M1 मूविंग विद U1, M2 मूविंग विद U2, आफ्टर कोलिजन M1 की वेलोसिटी क्या हो गई? V1, और M2 की वेलोसिटी क्या हो गई? V2। तो क्योंकि कोलिजन के अंदर दो बॉल्स आती हैं, हमने उनको पकड़ा नहीं हुआ, वो अपने आप टक्कर खाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं, तो इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का पी हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। ये हमने किया। तो पी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट का यहाँ पर मतलब क्या है? इसको कैसे अप्लाई करना है? ऐसे अप्लाई करना है, M1 into U1 plus M2 into U2 M1 into V1 plus M2 into V2। तो आज के बाद अगर दो बॉल्स आपस में कोलाइड होंगी और मैं ये बोलूँगा कि मोमेंटम कंजर्व करो, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 U1 plus M2 U2 is M1 V1 plus M2 V2। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कोलिजन्स। तो कोलिजन्स के अंदर दो बॉल्स का या दो बॉडीज का टक्कर होना कोलिजन है। अब कोलिजन की कुछ कैटेगरीज हैं जो बनाई गई हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो आपके पास एक बॉल है, वो बॉल आपने 10 मीटर हाइट से रिलीज कर दी, बॉल नीचे 10 मीटर पे गई। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता कि अगर 10 मीटर हाइट से बॉल गई 10 मीटर हाइट पर वापस आ जाए, कभी भी नहीं होता। 5 मीटर पे रहेगी, 4 पे रहेगी, 2 पे रहेगी, हो सकता है वो बिल्कुल चिपक ही जाए, लेकिन 10 मीटर पे तो नहीं आती। लेकिन आइडल केस में मान लो एक मिनट के लिए, और वो क्यों नहीं आती? क्योंकि जब बॉल ग्राउंड को टक्कर मारती है तो अपनी कुछ एनर्जी ग्राउंड को ट्रांसफर कर देती है, तो एनर्जी उसके पास उतनी बचती नहीं है जिससे कि वो ऊपर आ सके। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी उतनी बची नहीं है और हाइट उतनी अटेन कर नहीं पाएगी, तो इसलिए हाइट 10 मीटर तक अटेन नहीं हो पाती। और अगर एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि एक बॉल 10 मीटर से गई, ग्राउंड को हिट करती है, और ग्राउंड को हिट करते ही कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, अपनी कोई भी एनर्जी ग्राउंड को नहीं ट्रांसफर करती, तो वो 10 मीटर पर वापस आ जाएगी। तो ऐसी कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं है और बॉल की जो इनिशियल एनर्जी है फाइनल एनर्जी के इक्वल है, ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन, या दूसरा नाम इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन एंड द सेम थिंग। तो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि कोई भी एनर्जी का लॉस इसमें नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल, आपने एक गीली मिट्टी ली और आपने उसको 10 मीटर से ड्रॉप कर दिया, ग्राउंड पे जाके उसने रीबाउंड तो करना नहीं, वो तो जाके चिपक गई। जब बिल्कुल चिपक गई, टू बॉडी स्टिक टुगेदर,
तो इसका मतलब उस गीली मिट्टी ने या उस बॉल ने जो बिल्कुल चिपकी गई है, वो बॉल ने अपनी 100% एनर्जी ग्राउंड को ट्रांसफर कर दी, इसलिए वो बिल्कुल भी हाइट अटेन नहीं कर पाई। तो ऐसी कोलिजन को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें 100% एनर्जी लॉस है। 100% एनर्जी एक बॉल दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर गई, इसमें बिल्कुल लॉस नहीं है, इसमें बिल्कुल 100% लॉस है। लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, कुछ हाइट तो अटेन करती है बॉडी, तो यानी कि कुछ पार्ट अपना एनर्जी का ग्राउंड को ट्रांसफर करती है और कुछ नहीं करती। तो ऐसे केस में 10 मीटर से बॉडी को घेरा जाता है, 4-5 मीटर पे वापस भी आती है, तो ऐसी कोलिजन को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। तो एक कैटेगरी जिसमें बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा जिसमें एनर्जी लॉस है थोड़ा बहुत, इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा 100% एनर्जी लॉस है, दो बॉडीज आपस में जब टक्कर खाएंगी सेपरेट ही नहीं हो पाएंगी, ऐसे केस में इस कोलिजन को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो तीन कैटेगरीज ऑफ कोलिजन क्लियर है यहां तक। अब रूल नंबर वन, कोई भी टाइप की कोलिजन आ जाए आपके पास, चाहे जिसमें एनर्जी लॉस हो या ना हो, चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड या थर्ड कैटेगरी हो, कोई भी एनर्जी, कोई भी इसमें टाइप ऑफ कोलिजन आ जाए, एक चीज हमेशा कंजर्व रहेगी कोलिजन में, और वो है लीनियर मोमेंटम। ये रूल है, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो लीनियर मोमेंटम इसके अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम इसमें भी कांस्टेंट रहेगा, और लीनियर मोमेंटम इसमें भी कांस्टेंट रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन तीनों के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगी, इसमें लॉस तो है ही नहीं। इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, और इसके अंदर तो सेपरेशन ही नहीं होता, तो इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से ही काम चलता है। हाँ, वैसे लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसमें, राइट? मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो मान लो एक बॉल आ रही है U1 U2 वेलोसिटी, एक बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ U1 और दूसरी विद U2, इनकी कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद वेलोसिटी V1 एंड V2 हो गई। तो कोलिजन क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, और वो क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो कैसे लगेगी इक्वेशन? टक्कर से पहले मोमेंटम कितना है? M1 U1 प्लस M2 U2, और कोलिजन के बाद क्या है? M1 V1 प्लस M2 V2। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन में वैलिड है। दूसरी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ M1 U1 स्क्वायर। इसकी कितनी है? हाफ M2 U2 स्क्वायर। टोटल कितनी है कोलिजन से पहले? हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M2 U2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद कितनी है? हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल विल रिमेन सेम। ये हो सकता है कि शुरू में इसके पास एनर्जी 10 जूल है, इसके पास 2 जूल है, टोटल 12। हाँ, फाइनली इसके पास 4 रह गई, इसके पास 8 होगी, टोटल रिमेन 12। रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ये कौन सी कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी? इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम की इक्वेशन तो वैलिड है, इसके अंदर भी वैलिड है। तो कोलिजन से पहले M1 U1 प्लस M2 U2, कोलिजन के बाद M1 V1 प्लस M2 V2 की इक्वेशन वैलिड है, इसमें लगेगी। लेकिन अगर आप कहें काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि जब इनकी टक्कर होगी तो हीट एंड लॉस की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो रहेगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना इन टाइप के प्रॉब्लम में, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक? इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है, उसमें क्या करना है और इन इलास्टिक में क्या करना है। तीसरी किस्म की कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में जब दो बॉडीज की कोलिजन होती है तो उनकी सेपरेशन नहीं होती आफ्टर कोलिजन। मतलब जैसे एग्जाम्पल हमने ये पहले कई बार किया वर्क एनर्जी पार में, बुलेट और वो ब्लॉक वाला। एक बुलेट है M1 कमिंग विद वेलोसिटी ऑफ U1, और एक ब्लॉक है M2 और लाइंग एट रेस्ट। तो बुलेट ब्लॉक के अंदर आ जाता है, अंदर एम्बेड हो जाता है, रुक जाता है, और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद कॉमन वेलोसिटी। हमने वर्क पर एनर्जी में किया था। तो क्या किया था हमने? ये सीखा था कि आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, तो मोमेंटम इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट रहेगा,
कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है m1 u1, इसका मोमेंटम क्या है जीरो, आफ्टर कोलिजन क्या है m1 प्लस m2 into v कॉमन, तो यहाँ से v कॉमन कैन बी कैलकुलेट। तो क्या ये टाइप ऑफ कोलिजन समझ में आ रही है? और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगी, इनिशियल और फाइनल एनर्जी इक्वल नहीं करना आपने इसमें, वो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक में ही करना है, बात खत्म। तो तीनों में मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैसे कोलिजन को हमने डिवाइड किया तीन हिस्सों में, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें हम जो कोलिजन पढ़ेंगे वो ऐसे करेंगे कि कोलिजन इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तीन कैटेगरीज हैं। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1D, मतलब बॉल एक्स एक्सिस पे आएंगी, टक्कर होगी और एक्स एक्सिस पे ही सेपरेशन होगी। 2D का मतलब है जैसे पूल टेबल है, तो आपने एक बॉल रखी, वो स्टिक से दूसरी बॉल को मारा, पहली बॉल गई सीधी, दूसरी बॉल को हिट किया, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो कोलिजन इन 2D, क्योंकि 2D के अंदर मोशन हो रहा है। तो ये हम बाद में करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2D, उसमें भी एनर्जी लॉस जरूरी है कि हो या ना हो। तो अगर बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं और फाइनल भी जा रही हैं स्ट्रेट लाइन में, तो इलास्टिक कोलिजन इन 1D। दूसरे केस में अगर एक्स वाई प्लेन में जा रही हैं तो इलास्टिक कोलिजन इन 2D। ऐसी इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी लॉस है 1D में और एनर्जी लॉस है 2D में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 2D में नहीं होती, क्योंकि जब एक बुलेट एक ब्लॉक के अंदर रेस्ट पे आएगा फिर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो ऐसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेशन तो है ही नहीं, इसलिए ये सिर्फ किसमें चलता है इन 1D में। तो कुल मिला के हम 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, या तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 1D में इलास्टिक, या 2D में इलास्टिक, 1D में इन इलास्टिक, 2D में इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आज जो हम काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी पे काम करेंगे और वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आज का काम सिर्फ एक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि एनर्जी लॉस की तो बात हमने करनी नहीं है इसमें, कोई एनर्जी लॉस नहीं होने वाला, और किसमें 1D, एक ही एक्सिस में बॉल मूव करेगी, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक?